वालेकुम होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ एट योर होम सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको यूँ चिकन श्रेड करने का तरीका सबसे पहले हम करेंगे फ्लेम ऑन और इसके बाद इसको मीडियम कर लेंगे लाइक दिस इसके बाद हम इस पर रखेंगे एक बर्तन बर्तन रखने के बाद अब इसमें ऐड करना होगा मीट अब इस मीट में हम ऐड करेंगे वन ग्लास ऑफ वाटर एंड थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ये हमने इसमें मिक्स कर दिया वन ग्लास ऑफ वाटर अब हम इसमें ऐड करेंगे थ्री टू फोर टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल मिक्स करने के बाद हम इसे किसी स्पून से हिला के एक लिट से कवर करके कुछ टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और याद रखिएगा इससे मज़ीद पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि गोश्त खुद भी पानी छोड़ता है तो वो इसी पानी में पक जाएगा और इसको सॉफ्ट कर लेना है ये देखें पाँच मिनट के बाद मैंने देखा है तो ये इस कंडीशन में है इसको मज़ीद पकाएँ ये अभी भी पक रहा है अब इसको कवर कर दीजिए कवर करने के बाद हमने 10 मिनट के बाद देखा तो अब ये इस कंडीशन में आ चुका है अब इसको हम ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसे यूं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे नाउ दिस इज़ रेडी अब ब्रेड बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम श्रेडेड चिकन वन टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर हाफ टेबल स्पून रेड चिली देन टू टू थ्री ग्रीन चिली द दो बड़ी वाली कैप्सिकम से टू एट स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एट टू नाइन टेबल स्पून ऑफ मायोनीस एंड देन वन एंड हाफ कप ऑफ ऑयल सबसे पहले हम लेंगे एक बॉल और उस बॉल में करेंगे सारी चीज़ों को मिक्स लाइक सबसे पहले हमने लिया अपना श्रेडेड चिकन कैप्सिकम ग्रीन चिलीस एंड इन सबको कर अच्छे से मिक्स अब हम इसमें ऐड करेंगे एट टू नाइन टेबल स्पून ऑफ मायोनीस और फिर हम कर लेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स ये कुछ हमने इस तरह से अपने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लिया है मिक्स अब इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर अच्छा ये ब्लैक पेपर रेड चिली आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो क्योंकि किसी को मिर्ची ज़्यादा पसंद होती है किसी को लाइट पसंद होती है अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून ऑफ़ रेड चिल्ली देन वन स्पून ऑफ़ सॉल्ट और दोबारा से इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और उसके बाद ये हमारा मिक्सचर होगा तैयार और इसको रख लेंगे साइड पर अब हमने ब्रेड के स्लाइसेस के किनारे एक छुरी की मदद से काट के यूँ ब्रेड स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं एक ब्रेड स्लाइस लिया उसको पानी में डिप करके यूँ दोनों हाथों से प्रेस करके उसमें से पानी निकाल के खुश किया और उसके मिट में हमने तैयार किया हुआ मिक्सर रखा अब इस मिक्सर को रखने के बाद हम चारों किनारों को आपस में जोड़ के उसकी एक राउंड बॉल बना लेंगे बिल्कुल इस तरह अच्छे से इसको प्रेस करके राउंड बॉल बना लीजिए अब इस राउंड बॉल पे हम लगाएंगे ब्रेड क्राम्स तो ब्रेड क्रम्स लगा के हम इसे एक अलग प्लेट में यूँ रख लेंगे और यूँ कुछ हमने अपने राउंड बॉल्स को अच्छे से कर लिया है तैयार अब दूसरी साइड पे हमने ऑयल को रखा था गर्म करने अब ये गर्म हो चुका है अब हम इसमें अपने तैयार करे राउंड बॉल्स को डाल देंगे एहतियात से रखिएगा ताकि ये टूटे नहीं और फिर हम इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे लाइट गोल्डन भी कर सकते हैं डार्क गोल्डन भी कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो ये देखें अब इनकी साइड को कर लेंगे चेंज और ये हमारे राउंड बॉल्स हो चुकी हैं तैयार थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो डो नोट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन थैंक यू वंस अगेन